अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसके क्रिएशंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस वक्त ये जगह आप देख रहे हैं, ये गुजरांवाला का फ़न दुनिया है और यहाँ पर मैं बच्चों को आज लेकर आई हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे बच्चों को बाहर नहीं लेकर निकली थी, तो ये भी ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। अच्छा, ये नीचे से ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन इनकी है जो ऊपर से जाती है, ये ट्रैक ऊपर बना हुआ है, ये ऊपर से जाती है, दोनों अलग अलग ट्रेन हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे बेटे को बहुत शौक है ड्राइविंग का, कार का और बाइक का, तो यहाँ पर हम उसको कार की राइड दिलवाने आए थे कि चलो वो भी चला ले। और उसने इतनी अच्छी माशाल्लाह चलाई, हमें पता ही नहीं था कि वो सही चला लेगा। बच्चे गेम्स वगैरह देखते हैं, खेलते हैं, तो अंदाज़ा हो जाता है आई थिंक उनको चलाने का। अच्छा जी, अब हम आगे जा रहे हैं, ये आप देख लें फन दुनिया का कैसल कितना खूबसूरत बनाया हुआ है और कितना यहाँ पर काफ़ी खुली जगह है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ना झूले हैं और काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ और फ़न का सामान है। अच्छा, अब हम अब ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है और यहाँ से आप देखेंगे बच्चों के लिए यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए बेसिकली यहाँ पर चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं और गेमिंग का भी अंदर सामान है, गेमिंग के लिए भी अंदर उन्होंने सिस्टम लगाए हुए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से हम टिकट लेंगे, कार्ड भरवाएंगे अपना और फिर अंदर हमारी एंट्री होगी। ये यहाँ पर आप देख लें सारे ये गेमिंग्स हैं और ये छोटे बच्चों के लिए झूले हैं, ये ज़रा इजी होते हैं, ऐसे बच्चों को डर नहीं इतना लगता। जो बाहर झूले थे वो ज़रा बड़े वाले झूले थे, वो बड़े बच्चों के लिए थे। अंदर भी इंतज़ाम इंतहाई शानदार और बहुत साफ सुथरा माहौल है यहाँ का और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। अच्छा, इनका एक कार्ड होता है, उसमें आप बैलेंस करवा लेते हैं, फिर वो कार्ड आप यूज़ करते हैं, उसमें जितनी देर तक बैलेंस रहता है आप कोई भी झूला और कोई भी चीज़ बच्चे को दिलवा सकते हैं। ये जो हाउस इन्होंने बनाया हुआ है खेलने के लिए छोटा सा, इसमें 3 साल से 4 साल की उम्र के बच्चे जाते हैं और इसमें एक्टिविटी ज़रा कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। इससे एक और बड़ा हाउस है जिसमें बड़े बच्चे भी जाते हैं, खेलते हैं, काफ़ी अंदर एक्टिविटीज़ का सामान है, स्लाइड्स हैं और भी बहुत कुछ है। तो ये मेरे बच्चे अब जा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया और काफ़ी बड़ी जगह पर इन्होंने बनाया हुआ है। आप लोग भी इंजॉय करें, जो जो गुजरांवाला रहते हैं विज़िट ज़रूर करें, इस जगह का बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए तो बहुत है। और मेरा बेटा जॉन सैना जाते वक्त भी, जॉन सैना वो उदास था और नहीं जाना चाह रहा था कि मामा मैंने यहीं पर रहना है और मुझे भी कुछ देर और खेलने दें। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, आज यहाँ पर रश नहीं था इतना, आप देख रहे होंगे कि लोग आपको बहुत कम नज़र आ रहे होंगे, कुछ लॉकडाउन की वजह से भी है, कोरोना की वजह से भी लोग जॉन सैना वो इतना नहीं निकलते। तो मुझे मौका मिल गया, मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं इतनी अच्छी जगह और इतनी अच्छी चीज़ें आप लोगों को भी दिखाऊं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, आप लोग भी इंजॉय करें मेरे साथ साथ। अच्छा, बच्चों के साथ साथ ना यहाँ पर बड़ों के लिए भी एक्टिविटीज़ हैं। अभी जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना, ये तो कम्प्लीट बच्चों का, इसमें हैं कुछ बड़ों की भी गेमिंग है। ये देखें, जैसे मैं बच्चों को छोड़ के मैं और मेरे हस्बैंड जो थे ये गेम खेलने लगे थे, हम बोर हो रहे थे, हमने सोचा चले आ जाए हम भी ज़रा कुछ खेलें, इंजॉय कर लें। तो ये स्ट्राइकर वाली गेम हम खेल रहे थे और हमने बास्केटबॉल भी खेली थी, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, इसकी मैंने बना ली थी। तो अब काफ़ी टाइम हो चुका था, मैंने सोचा बच्चों को देखूँ जाकर और वापस चलें अब हम। तो बच्चे जो उनसे हैं वो मूड में नहीं थे वापस आने के, मैं अभी इनको लेने आई हूँ। इनकी लाइटिंग्स, इंटीरियर और तमाम जो इन्होंने यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए हुए थे बहुत शानदार और बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बच्चे अक्सर यहाँ पर आते होते थे, आज मुझे मौका मिल गया, मैंने कहा चले मैं वीडियो बना लूँ, रश कम था तो, वरना लोग बहुत होते हैं फिर अच्छा नहीं लगता, वो भी वीडियोज़ में आते हैं तो वो अजीब लगते हैं, इसलिए मैं बनाती नहीं थी। तो ये अफान साहब जो उनसे है ना, वो फ़्रॉक को मार रहे हैं यहाँ पर और इसको बहुत मज़ा आता है ये मारने का फ़्रॉक को, तो ये लगा हुआ था अपनी एक्टिविटी में फुल मगन, उसको नहीं पता था कि मामा वीडियो बना रही हैं। तो मज़े की चीज़ थी, एंड पे मैंने भी 2-3 लगाई फ्रॉक्स को। अच्छा, अब हम वापस जा रहे हैं और यहाँ पर भी आप देखें कितना खूबसूरत इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, कितना खूबसूरत इंटीरियर है, सेंसर्स लगे हुए थे डोर्स पे। और ये अब हम बाहर वाले एरिया में आ गए। अच्छा,
यहाँ से जब आप बाहर निकलते हैं फ्रंट साइड पे आप देखेंगे, अच्छा राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे ही ब्रांड्स हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिनमें जूतों के, बैग्स के, कपड़ों के, बच्चों के तमाम ब्रांड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पे आपको ये भी सहूलत होती है जो पेरेंट्स बच्चों को इंजॉय कराने आते हैं साथ खुद भी इंजॉय कर लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं साथ साथ। तो बाहर वाले एरियाज़ में काफ़ी कुछ था, बाहर हम कम घूमे हैं, बाहर बड़ों के लिए भी काफ़ी झूले थे, 3D राइड्स थी यहाँ पर, जो कि अब तो 4D भी आ गई हैं, जो कि बहुत मतलब मज़ेदार है। मैंने खुद भी ली हुई हैं लेकिन आज नहीं मैंने ली थी। तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और यहाँ पर यह होटल था बहुत शानदार और इनका खाना बुफे बहुत अच्छा होता है, बहुत शानदार होता है, ये भी मैंने विज़िट किया हुआ है। आपसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।